हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स, वन ऑफ द मोस्ट ईगरली अवेटेड फिल्म्स ऑफ दिस ईयर सो फार। तो सलमान खान की भारत के बारे में डिटेल्स हम जो बताएंगे, शायद आपने इससे पहले कहीं नहीं सुने होंगे एंड शायद और कहीं सुन भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, चार दिनों में भारत सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इट्स एन ईद रिलीज। इस बार फिल्म शुक्रवार को नहीं, बुधवार को रिलीज होने को है, यानी 5 जून को। तो भारत कितने स्क्रीन्स में लगेगी? इंडिया में 4,000 से अधिक स्क्रीनों में लगेगी। और ये 4,000 स्क्रीन्स का ब्रेकअप क्या है? करीब 2,500 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स और 1,500 सिंगल स्क्रीन सिनेमाज। तो 4,000 स्क्रीन्स इन इंडिया अलोन, एंड ओवरसीज में करीब 1,250 से अधिक स्क्रीनों में ये फिल्म रिलीज होगी। ऑब्वियसली सलमान खान की फिल्म है, इसलिए क्रेज बहुत है और हर सिनेमा की, हर मल्टीप्लेक्स की डिमांड है। मल्टीप्लेक्सेस में कितने शोज होंगे दिन भर में, ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा क्योंकि प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। बट ऑफकोर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज इसी फिल्म को दिए जाएंगे। अब भारत की रनिंग टाइम क्या है? वैसे तो जब ये फिल्म सर्टिफाई हुई थी, CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट दिया, एंड आपको बता दें इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिला है। तो जब सर्टिफिकेट दिया, इसकी रनिंग टाइम 2 घंटे 47 मिनट थी। बट अली अब्बास जफर, जो कि इस फिल्म के को राइटर एंड डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्म को और भी काट ली आफ्टर द सर्टिफिकेशन, और अब इसकी रनिंग टाइम, फाइनल रनिंग टाइम है 2 घंटे 34 मिनट, 2 hours and 34 minutes इज द रनिंग टाइम। एंड अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि फर्स्ट हाफ कितना लंबा है और सेकंड हाफ कितना लंबा है, ऑलमोस्ट सेम है, 1 घंटे 18 मिनट का फर्स्ट हाफ, 1 घंटे 16 मिनट का सेकंड हाफ। एक और सवाल है जिसका जवाब आप सब जानना चाहते होंगे, और वो है सलमान खान जो बूढ़े दिखाए गए, एजेड सलमान खान, उनका स्क्रीन टाइम कितना है? मैं यहां पर आपको बता दूं कि 5 time periods सलमान खान के लाइफ के 5 time periods में बटी है ये फिल्म, बिसाइड्स द चाइल्डहुड। लेकिन चाइल्डहुड में ऑफकोर्स सलमान खान नजर नहीं आएंगे, कोई और चाइल्ड एक्टर है। तो सलमान खान 5 different phases ऑफ हिज लाइफ में नजर आते हैं, एंड हर फेज करीब 15-20 मिनट का है। तो बूढ़े सलमान खान भी 15-20 मिनट तक आपको स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे, एंड चाइल्डहुड वाला पोर्शन भी करीब 20 मिनट का है। दिशा पटनी स्पेशल अपियरेंस में है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वो केवल 1 या 2 गानों में है या 1-2 सीन में है, उनका भी रोल करीब 15-20 मिनट का है। एंड कटरीना कैफ तो खैर फिल्म की हीरोइन है ही, आपको कहने की जरूरत नहीं कि प्रियंका चोपड़ा इस रोल में पहले साइन हो गई थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की कई मजबूरियां थी जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने से पहले ही अपने आप को एक्सक्यूज कर दिया, एंड फिर कटरीना कैफ आ गई। सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी भी बहुत ही मजेदार जोड़ी है, लोगों को यानी आपको, सलमान खान के फैंस को, कटरीना के फैंस को बेहद पसंद है ये जोड़ी। अब फिल्म में 5 गाने हैं, 4 तो आपने सुन लिया, एक्चुअली 5ों ही सुन लिए होंगे, 1 का वीडियो अभी तक आउट नहीं हुआ है। और अगर आप पूछे कि सलमान खान का फेवरेट गाना कौन सा है, वेल सलमान खान के 3 favorite गाने हैं, 1 तो है स्लो मोशन, दूसरा है चाशनी और तीसरा है तुर्पिया। और अली अब्बास जफर के 2 favorite गाने हैं, चाशनी और आया न तू। एंड कटरीना कैफ, वो खुद शक्कर जैसी मीठी है, इसलिए उनका फेवरेट गाना है चाशनी। पता है दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल भारत है और फिल्म में सलमान खान का नाम भी भारत है। जब सलमान खान ने अली अब्बास जफर को ओड टू माय फादर देखने को कहा, तब सबसे पहले अली अब्बास जफर का रिएक्शन ये था कि मैं तो रीमेक्स बनाता नहीं हूं, तो मुझे क्यों देखने को कह रहे हैं। सलमान खान ने इंसिस्ट किया, इसलिए अली अब्बास जफर ने फिल्म देखी, एंड उनका कहना है कि 3-4 दिनों तक उनके दिमाग से वो फिल्म हट ही नहीं रही थी। Liked the film so much, और ऐसा impression create किया उनके दिमाग पर कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये film remake करनी चाहिए। उसके बाद वो सलमान खान के पास गए और उन्होंने कहा मैं ये film remake करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इंडियनाइज करना पड़ेगा इस स्क्रिप्ट को, टोटली इंडियन कंडीशंस में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये फिल्म ओड टू माई फादर कोरियन फिल्म है, एंड साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का जब पार्टीशन हुआ था तब की कहानी है। ऑब्वियसली अली अब्बास जफर ने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को बेस लेकर इस फिल्म को इंडियनाइज किया, एंड अली अब्बास जफर का कहना है कि ओड टू माई फादर का ये फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं है, he has kept the core ओड टू माई फादर का है, लेकिन बहुत से बदलाव किए हैं। एंड अगर आप ये पूछें कि कॉमेडी है कि नहीं, वेल
वापस अली अब्बास जफर का यह कहना है कि कॉमेडी भरपूर है, लेकिन ऐसे स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है। अली अब्बास जफर यह भी कहते हैं कि अगर हम एक तरफ कॉमेडी देखें और दूसरी तरफ ड्रामा या इमोशन, तो इस फिल्म में भारत में कॉमेडी का पोर्शन करीब 70% है और ड्रामा और इमोशन का 30%, यानी बी प्रिपेयर टू लाफ एंड लाफ अ लॉट। भारत की शूटिंग से पहले अली अब्बास जफर ने सलीम खान साहब, जो कि सलमान के पिताजी हैं, खुद एक बहुत बड़े राइटर रह चुके, बहुत बड़े राइटर है, उन्हें इस फिल्म की कहानी सुनाई। इनफैक्ट अली अब्बास जफर हर फिल्म के शुरू में सलीम साहब को अपनी कहानी सुनाते हैं। सुल्तान में भी यही हुआ था, टाइगर जिंदा है में भी यही बात थी, और इस बार जब उन्होंने भारत की कहानी सुनाई, सलीम साहब का कहना था कि इस फिल्म का कोर उसके इमोशंस है। एंड ये भी अली अब्बास जफर को सलाह दी कि फिल्म की चकाचौंध में तुम इमोशनल थ्रेड को भूल मत जाना, कहीं खोने मत देना। और जब फिल्म कंप्लीट हुई एंड सलीम साहब ने इस फिल्म को देखा, तो उनका अली अब्बास जफर को कंग्रेचुलेशंस के साथ ये मैसेज था कि तुमने इमोशंस को भुलाया नहीं है एंड तुम डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो चुके हैं। अब सलीम साहब का जजमेंट अगर सही जाता है, एंड माइंड यू फिल्म इंडस्ट्री में सलीम साहब के जजमेंट को, उनकी रिपोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज ही हैज गॉट अ टेरिफिक सेंस ऑफ कमर्शियल सिनेमा। इससे पहले इस टीम की, इस ड्यूओ की, सुल्तान जो कि पहली फिल्म थी, 300 करोड़ का क्लब ज्वाइन किया था उसने। दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है ने भी 300 करोड़ से अधिक बिजनेस किया था। और अगर भारत भी सलमान खान के पिताजी सलीम खान के अनुसार जैसी रिपोर्ट आई है वैसा बिजनेस करती है, इट जस्ट माइट बी अ हैट्रिक ऑफ 300 करोड़ फिल्म्स फॉर अली अब्बास जफर एंड सलमान खान। कैसी जाती है, कैसी पसंद आएगी, ये तो आप लोग ही बताएंगे वेंसडे को जब फिल्म रिलीज होती है। लेकिन इन द मीन टाइम हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, द नेम इज कोमल नाहटा ऑफिशियल। Please press the bell button in case you want notifications and alerts. Thank you.